मंत्री द्वारा आज जंतर मंतर पर एनएमसी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नए नियम जारी करने हेतु धन्यवाद प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धन्यवाद प्रदर्शन में देश भर के 16 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए 100 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। इसमें UGMSR 2023 और CBME रेगुलेशन 2023 जारी करने को लेकर आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही AIPCMA द्वारा यह भी मांग की गई कि आने वाले समय में इन नियमों में 3 विषयों में नॉन मेडिकल अभ्यर्थियों की नियुक्ति में छूट के 15% के प्रावधान को भी समाप्त किया जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए केवल चिकित्सक ही शिक्षक होने चाहिए। NMC द्वारा जारी नए CBME पाठ्यक्रम, जिसमें कॉलेज में प्रवेश के दिन से ही क्लिनिकल अध्ययन प्रारंभ हो जाता है, चिकित्सक ही उस पाठ्यक्रम को पढ़ा सकते हैं और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते इस रिपोर्ट में। डॉक्टर्स का एक संगठन है, मैं डॉक्टर अभिनव पुरोहित उसका अध्यक्ष, और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं NMC के नए रेगुलेशंस जारी हुए हैं अगस्त के अंदर, उनका स्वागत और धन्यवाद देने के लिए। ये रेगुलेशंस मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही आवश्यक भी थे और ये निश्चित रूप से मेडिकल एजुकेशन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। देश में मेडिकल कॉलेजेस में एक ऐसा प्रावधान था जिसके अंदर नॉन मेडिकल पर्सन यानी बिना MBBS किए लोगों को मेडिकल टीचर्स या टीचर्स के पद पर अपॉइंट किया जाता था। NMC ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया। हमारा संगठन इस विषय को पिछले 8 वर्ष से लगातार उठाता रहा है, तत्कालीन MCA के समक्ष भी और NMC आने के पश्चात उसके समक्ष भी। बिल्कुल, हमारे प्रयास, अन्य संगठनों के प्रयास, कई हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने इस नियम की खामी को बहुत बुरी तरह से भुगता है, उन सभी के प्रयास और उन सभी की मेहनत उसका नतीजा है कि आज NMC ने हमारी बात सुनी है और नए नियमों में नॉन मेडिकल टीचर्स के प्रावधान को केवल 3 विषयों में 15% तक सीमित कर दिया है और हमारी ये मांग भी रहेगी कि इस 15% को भी शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। मैं डॉक्टर अनूप सिंह गुर्जर, प्रोफेसर एनाटॉमी, मैं एसोसिएशन का सचिव हूँ और मैं नेशनल मेडिकल कमीशन जो 2019 में यहाँ देश के अंदर प्रारंभ हुआ उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसने देश के लिए इतने अच्छे मेडिकल ग्रेजुएट्स बनाने के लिए जो कुरिकुलम तैयार किया है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट तैयार की, MSR किया है, तैयार की हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय हैं और देश के लिए इस कमीशन के जरिए, मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन के जरिए एक अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे वो, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। के माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि एक चिकित्सा शिक्षक जो कि प्रोड्यूस होता है मेडिकल कॉलेज में, उसकी चिकित्सा शिक्षा में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है जब MBBS की टीचिंग और ट्रेनिंग देने वाला एक चिकित्सा शिक्षक खुद भी उतना ही क्वालिफाइड हो, यानी कि MBBS और MD डॉक्टर हो। कोई भी आदमी जो अपने माता पिता का, अपने परिवारजनों का इलाज कराना चाहता है, वो इस बात को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो किसी तरह से कॉम्पिटेंट ना हो। तो माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं ये बार बार ये आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार ने इस मामले में हमारी कुछ मांगे पहले से स्वीकार भी की है, ये मामला कोर्ट में भी जीता रखा गया है। कोर्ट ने हर बार इस मामले में डॉक्टर्स का पक्ष सुना है और डॉक्टर्स के पक्ष में ही इसका जो है फैसला भी दिया है। कोर्ट में मामला अभी भी विचाराधीन है, जो कि अभी तक फिलहाल जो यथास्थिति बनी है वो डॉक्टर्स के पक्ष में है। जजों ने इस बात को, हमारे जो ऑनरेबल जजेज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, गंभीरता से संज्ञान में लिया है कि एक चिकित्सा शिक्षक जो कि खुद एक MBBS MD डॉक्टर है, वही MBBS MD टीचर MBBS MD डॉक्टर को प्रोड्यूस कर सकता। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।